आज विसर्जन होगा। नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे घर में भी गणपति विसर्जन होने जा रहा है और पूजा सेवा हो चुकी है। खाना वाना सब खिला दिया माता जी? हाँ सब खिला दिया। अच्छा, तो सबका मुँह मीठा होगा। और ये इनका रिद्धि का मुँह बना हुआ है, सिद्धि का मुँह बना है, ये दोनों हमेशा एक साथ बैठे रहते हैं। ये एक चौकी पे विराजमान है और उनके घर पे बहुत और प्यारे भाई के यहाँ भी मैं जाता था तो उनके यहाँ बहुत भव्य तौर पर बनाया जाता था। अच्छा। उनके गांव से रसोइये आते थे और जनेऊ में भोजन बनता था। ऐसा पवित्र खेल होता था वहाँ पर, हर वक्त केसर की खुशबू उठती रहती। अच्छा, वहाँ पे गणपति उत्सव का ज्यादा विशेष महत्व है? अब तो नहीं, वहीं से प्रारंभ हुआ था महाराष्ट्र हमारे। वैसे तो गणेश चौथ हमारे यहाँ अभी उसमें स्कूलों में मनाई जाती थी, गुरु का सम्मान करते थे। उसे चट्टा चौथ भी बोलते थे। गुरु को जाके दक्षिणा देते थे, वस्त्र देते थे हमारे उत्तर प्रदेश में। हाँ, उत्तर तब अब प्रचलन धीरे धीरे जो है, क्योंकि जैसे जैसे हम जुड़ रहे तब तो हमें दिल्ली बहुत दूर थी। बम्बई वम्बई शहरों का क्या वो है, वहाँ थे ही नहीं। तो मतलब वहाँ पर जो था, हमने ऐसे मैंने जंजन नहीं खाए कभी बाजरे के जो वहाँ बनते थे। ये गणेश जी के उत्सव में? अरे गांव से आते थे ना लक्ष्मी जी के रसोइये। अच्छा, पंडित लक्ष्मी जी भी अरे बहुत तो मैं तो वही कभी तो मैं कह रहा हूँ भोजन वगैरह वही होता था एक हफ्ता। फिर मतलब जो है विसर्जित करने जाते थे तो ढोलक से और तबले से वहाँ। अच्छा। मंदिरों से मतलब समुद्र तक जाते थे विसर्जन के लिए। हाँ, और उत्सव होते थे। एक बार प्यारे भाई के यहाँ गया तो सुरेश वाद्य करने गाने गए थे। वो सब आज अच्छी तरह से याद आ रहा है। तो मन भी जो है भाव विभोर हो रहा है, भावुकता प्रचंड रूप से हमारे ऊपर सवार है इस समय। आज गणपति जी जा रहे हैं, आज गणपति बप्पा जा रहे हैं, आज जा रहे तो अंदर लेकिन हाँ, लेकिन अब आएंगे अगले वर्ष फिर आएंगे। मम्मी तो रोने लग जाती है जब विसर्जन होता है तो। अच्छा, पहले हम लोग नहीं रखते थे ना, कैसे? एक चार पाँच साल से रखते। नहीं, अधिक हो गया, अधिक हो गया, छह सात साल, छह सात साल हो गए। एक साल अंदर से ही जाता जैसे बच्चा जा। आज सुबह से ही रोई है। खुशी खुशी विदा करो। और क्या, और क्या, खुशी खुशी विदा करो। और तू भाई थोड़ा सा बोल ले, अब बोले इधर आ जा मेरे पास, बोल ले बेटा। वो छोटा बंदर का बच्चा होता है ना, वो बस ऐसे ही है, बंदरिया का बच्चा है वो, मेरा बोलो। बच्चा है। आज हमारे घर से गणेश जी जा रहे हैं, वैसे तो कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है, सभी आज उनका विसर्जन है। कौन कराए? अच्छा, क्या हुआ इस बार छुट्टी नहीं? अगले साल तो फिर आएंगे, इसलिए हमको खुशी खुशी ये हमारा यानी आप सबका प्यारा सा मंदिर है, यहाँ पर हम पूजा पाठ करते हैं और यहीं पे गणपति जी की ये मूर्ति रखी हुई है। मैं तो थोड़ा लेट आई हूँ इस बार, थोड़ा था व्यस्तताएं थी और मम्मी ने बिठा दिए थे, लेकिन जो जिस दिन जाने का इनका दिन होता है उस दिन थोड़ा सा सारा घर ही जो होता है जी, इनके इन्हीं की तरफ मन रहता है ना। गणेश जी को भोग लगाओ, गणेश जी को निलाओ, आरती करो। अब चले जाएंगे। बड़ा पवित्र माहौल होता था उस टाइम। अगर लक्ष्मी जी धुन बना रहे हैं और तबलची वगैरह और आरती का समय हो गया तो वो जो भगदड़ मचती थी वो दृश्य देखने वाला। अच्छा। तबलिया जो है दबा के भाग रहा है तबले को, ढोलकिया जो है ढोलक उठा के भाग रहा है, लक्ष्मी जो है कूद के मतलब जो है जा रहे, तो वो मतलब दृश्य देखने वाला होता, दृश्य देखने वाला होता था। तो आज अब गणपति जी का विसर्जन हो जाएगा थोड़ी देर में, हमारे दो चार दिन ऐसे ही लगेगा हमको, सुना सुना इतने दिन जो थी मतलब दिनचर्या बदल जाती है ना, बदल जाती है, इन्हीं पे ही निगाह रहती है।
आरती करेंगे, भोग लगाएंगे, इनको निलाएंगे। अभी तो ये जगह भी बिल्कुल खाली खाली रहेगी जब ये जाएंगे तो। एक दो दिन तो बड़ा सुना सुना लगता है। इस बार मूर्ति थोड़ी छोटी लाई, बड़ी ले आएंगे। नहीं नहीं, इतनी बड़ी मूर्ति पंडित जी ने बताई है घर के लिए। अच्छा, खुद आए हैं? खुद मतलब मम्मी को वो नहीं लाई है, खुद से लाई है, है ना? खुद से ही लेके आए हो? खुद ही आए। और बड़ा प्यारा स्वरूप लग रहा है, तैयार है बस अब थोड़ा सा। तुमने क्यों नहीं बनाए? मेरे को मन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अरे बताओ तो। मैं बिजी थी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा, पेपर हो रहे थे ना? अभी भी पेपर इसके चल रहे हैं। चलो आपके बना लेना। ये जरा सी इसको मैं डांट देती हूँ ना, तो थोड़ा सा कम हो गया। अभी थोड़ी देर में आपने लगेगी। माँ बेटियाँ है ना? हाँ, थोड़ी देर में है। जय हो गणपति। बेट इनकी, बेट वो कर दे। अच्छा, तो मैं सामने से एक बार गणपति। जय हो गणपति। ये है हमारे गणपति बप्पा। ये हमारे माता पिता।